सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टेट बैंक कलेक्ट की जो पेमेंट रिसिप्ट होती है उसकी प्रिंट आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यहां पर नई वीडियो में। दोस्तों, आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर गूगल ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर गूगल या आपको क्रोम ब्राउज़र का यहाँ पर सारा लेना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर गूगल ओपन करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर की सर्च बार में सर्च कर लेना है SBI कलेक्ट। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह SBI कलेक्ट लिखकर यहाँ पर सर्च करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्लाइड करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड साइड मिलती है स्टेट बैंक कलेक्ट की। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वाली वेबसाइट पर टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर इस पर टैप करते हो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यहां पर जो ऊपर की राइट साइड में 3 लाइन शो हो रही है, तो सिंपली आपको यहां पर रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ऊपर की जो 3 लाइन है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो आपको यहां पर 3 ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SBI कलेक्ट की जो रिसिप्ट होती है पेमेंट की, उसको हम यहां रेफरेंस नंबर के थ्रू आज इसको डाउनलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर के थ्रू अगर आपको भी रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है बाय SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग विथ DO, तो सिंपली आपको यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर टाइप करना है। दोस्तों, रेफरेंस नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जो भी आपके पास जो मोबाइल में आपके पास जो रिसिप्ट होगी तो उसमें आपको यहाँ पर जैसे आप देखोगे आपके पास ऑलरेडी कहीं प्रिंट होगी तो आपको यहाँ ऊपर देखना है, उसमें स्टार्टिंग में SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर आपको वहाँ पर उसमें देखने को मिलेगा। तो जो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो फटाफट से हम जो रेफरेंस नंबर हमारी रिसिप्ट में पहले से उसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो फटाफट से दोस्तों, हम आपको भी यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो आपको टाइप कर लेना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर फटाफट से जो रेफरेंस नंबर है हमारी जो रिसिप्ट है उसमें से टाइप कर लेता हूँ। धन उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक मोबाइल नंबर का और सेकंड ऑप्शन मिल जाता है DOB का। सिंपली आप यहाँ मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। आपको कोई सा भी एक यहाँ पर आपको चूज़ करना है, या तो डेट ऑफ बर्थ या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर 3rd ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर कोड का। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक कैप्चर कोड नीचे शो हो रहा होगा, तो ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे दोस्तों, आपको यहाँ पर ये स्मॉल में है तो सिंपली आपको भी स्मॉल में ही टाइप करना होगा। अगर कैपिटल में होगा तो दोस्तों आपको भी इसे कैपिटल में टाइप करना होगा। तो सिंपली दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है येलो कलर में सबमिट का। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर हमने गलत टाइप कर दिया, उसके बाद हमने दोबारा से फटाफट से टाइप कर लेते हैं DO। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो दोबारा से टाइप कर लिया। देन उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे के सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर दोबारा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नीचे को स्लाइड करना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो पेमेंट की होती है वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको स्लाइड करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड के नीचे ई रिसिप्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पर ई रिसिप्ट पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फाइन इन पेज पे क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप यहाँ पर प्रिंट कर पाओगे। अगर दोस्तों उसके बाद भी अगर नहीं आता है प्रिंट का ऑप्शन, तो आपको अपने मोबाइल को यहाँ पर जो रोटेट का ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में उसे ऑन कर लेना है और आपको यहाँ पर मोबाइल रोटेट कर लेना है। उसके बाद आप आसानी से प्रिंट कर पाओगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।